एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडियक रीडिंग में हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि, यहाँ पे चीजें बेटर हो रही हैं आप लोग की लाइफ में। ये कार्ड शफलिंग कह रही है कि चीजें सुधर रही हैं। खैर मैं कार्ड देखती हूँ आप लोग के लिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके। मैंने कहा ना चीज़ें बेटर हो रही हैं आप लोग की लाइफ में। बहुत टफ टाइम आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी आपको ऐसा लगा होगा कि मुश्किलें आपके ऊपर आ पड़ी हैं, बहुत परेशान आप रहे होंगे, बट फाइनली ना यहाँ पे एक ऐसा ही पीरियड आ रहा है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं आपकी लाइफ में। एक स्टेबिलिटी आ रही है और अभी का प्रोसेस, अभी की सिचुएशन है ना वो भी ऐसी है कि अब हार्डली ही मैं कहूँ सर्वाइव कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत मुश्किल वक्त देख रहे हो, बहुत मुश्किल टाइम देख रहे हो। बट आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, यहाँ का पानी कैसे एकदम से वेव्स आ रही हैं, यहाँ का एकदम शांत है, तो आप धीरे धीरे पीस की तरफ बढ़ रहे हो आपकी लाइफ में। और यहाँ पे दूर जाना है, दूर जाना किसी भी चीज़ से, नेगेटिविटी से, आपके माइंड के इल्यूजन से। आप बेटर हो रहे हो, आपकी लाइफ बेटर हो रही है, एक ही वर्ड आपसे बोलूँगी, बार बार मुझे बेटर बेटर वर्ड सुनाई दे रहा है। और मैं देखती हूँ आप लोग के लिए कार्ड्स। एक्वेरियस, एक्वेरियस अगेन, एक्वेरियस जेमिनी, हो सकता है कोई एक्वेरियस पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या फिर आपको एक्वेरियस की रीडिंग देख लेनी चाहिए एक बार। जेमिनी, जेमिनी नाइन ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ, हो सकता है कि आप लोग सिंगल ही रहना पसंद करें, ज़्यादा किसी के साथ कमिटमेंट में ना जाना चाहें। ये वीक ऐसा रहेगा कि आपका ऐसा मन नहीं करेगा कि आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व हों बातें करने में, आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ कम्युनिकेशन रखें। आपका जो फोकस है वो अपने ऊपर रहेगा, खुद को इम्प्रूव करने में रहेगा, खुद को बेटर करने में रहेगा, अपने करियर के ऊपर रहेगा। ये एनर्जीज ऐसी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गैदरिंग में जाना पसंद है, बात करना पसंद है, एक ऐसी फीलिंग आइसोलेशन में चले जाना कहते हैं ना, कि खुद से ही बातें करना, खुद को ही समझाना, वो मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए वीक ऐसा दिख रहा है। और साथ में आपको बताऊँ, बहुत स्ट्रांग होते हुए आप मुझे दिख रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ना आप स्ट्रांग हो रहे हो, जैसे कि सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेना, किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलना। आपकी लाइफ में अगर कुछ गलत होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लोगे अपने ऊपर, कुछ अच्छा होगा तो उसके लिए खुद को अप्रिशिएट भी करोगे। बेसिकली सारा फोकस आपका आपके ही ऊपर है। ये वीक की एनर्जीज ऐसी ही हैं। और देखती हूँ आप लोग के लिए जेमिनी स्ट्रेंथ। मैंने अभी कहा था कि बहुत स्ट्रांग हो रहे हो आप लोग, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी है यहाँ पे कि आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिले हैं लाइफ में, और इसी की वजह से आप स्ट्रांग हो रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ऐसी सेल्फ डिपेंडेंट वाली एनर्जी है कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट भी थे पास्ट में या फिर रहते थे, यहाँ पे कोडिपेंडेंसी वाला जो इशू था वो बिल्कुल आपकी लाइफ से जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ों को ना आप अपने लेवल पे हैंडल करना सीख रहे हो। एकदम बुरी से, मैं कहूँ बुरी सिचुएशन में भी ना आप उसके सॉल्यूशन निकाल ले रहे हो अच्छे से, आप में पेशेंस आ रहा है, विजडम आ रही है। ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फिर से बता दूँ। जेमिनी और देख लेती हूँ, और एक और बात बताऊँ आपको कि अगर आपको लग रहा हो कि आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चीज़ें डिले हो रही हैं, सो ऐसा हो सकता है कि इस वीक भी ऐसी एनर्जीज रहे, बट स्टिल आप पॉजिटिव रहोगे, आपको ये भी बता दूं, आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होंगे, आप पेशेंस रखेंगे क्योंकि इतना कुछ आपने किया है ना अभी तक, तो आगे चीज़ें अच्छी होंगी। मैं कहूँ बुरा वक्त जो था ना वो नहीं रहेगा। और देखती हूँ आपके लिए नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। साथ में टेन ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा था, तो एक हैप्पी फैमिली की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, लोगों में आपस में मैं कहूँ झगड़े हो रहे थे, या फिर कुछ भी आप फैमिली की साइड से परेशान थे, तो वहाँ आपको रिलीफ मिलने वाला है। और
बहुत ज्यादा हील भी आप होने वाले हो, हील होते हुए मैं आपको देख रही हूँ। और स्ट्रेंथ है, देन एस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोग सेल्फ लव बहुत सीखने वाले हो इस वीक। खुद को खुद पे काम करना, खुद को अप्रिशिएट करना, अपने जो भी आपके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस वाला मोड यहाँ पे आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ओके जेमिनाइज, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आप लोग की इस वीक की, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के लिए। इस डेक से भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। जेमिनाइ, मिथुन राशि, मैजिशियन एंड द मिरर, ये भी मैजिशियन कार्ड ही होता है। ये कह रहा है कि अपनी तकदीर आप खुद लिख रहे हो, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, आपको नहीं पता है। आप इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप लोग इजीली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हो। जस्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की, अपने ऊपर फेथ रखने की आपको ज़रूरत है। खुद पे भरोसा रखना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज कभी कभी मुझे लग रहा है कि आप खुद ही नेगेटिव हो जाते हो, खुद को ही अंडरस्टिमेट कर देते हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसी एनर्जीज अगर आपके अंदर आ जाती हैं तो उन्हें निकाल दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में वो पावर्स हैं, वो विजडम है आपके अंदर। आप इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप लोग की लाइफ में। अगर आपको अभी लग रहा है कि आपका वक्त अच्छा नहीं है या फिर कुछ भी ऐसी एनर्जीज नहीं है ना, आप खुद ही अपनी सिचुएशन बेटर करोगे खुद ही। यहाँ पे पता है क्या था कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट चलता आ रहा था कि आप जस्ट ऐसे सोच रहे थे कि चीज़ें खुद अच्छी हो जाएं, चीज़ें खुद बेटर हो जाएं, है ना। आपने ऐसे चीज़ें छोड़ रखी थी, लेकिन अब ये जो इस वीक से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप किसी का वेट नहीं करोगे, अब आप टाइम का वेट नहीं करोगे कि टाइम आपके फेवरेबल में हो, अब आप चीज़ों का वेट नहीं करोगे कि चीज़ें आपके फेवरेबल में हो। आप खुद ही स्टेप लोगे उनको बेटर करने के लिए, खुद ही आप आगे बढ़ जाओगे। और बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी मैं आपको बनते हुए देख रही हूँ बहुत। और देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड्स हैं जेमिनाई। खुद पे बहुत आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा। खुद को ही अगर आप ऐसा था ना, खुद पे भरोसा नहीं कर पाते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब चीजें वो जा रही हैं, और इसीलिए आपको इतना ट्रिगर किया गया था। पास्ट में जो भी आपके टफ एक्सपीरियंस रहे, आपका टाइम अच्छा नहीं रहा, आपको ट्रिगर इसीलिए करा जा रहा था ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आप को डिपेंडेंसी वाला जो आपका इशू हुआ है, हाँ, उससे आप बाहर निकलें। देन वी हैव स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लीजिए, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। अपने दिन का भी अगर आप, जैसे होता है कि काम पूरा मैनेज नहीं कर पाते हो, आपको लगता है दिन खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले ही पूरा शेड्यूल बना लो, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है चीज़ों को। तो प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ पे आपकी लाइफ में इस टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर मैनेज करिए, ठीक है। इस डेक से भी देख लेती हूँ लास्ट आप लोग के लिए कुछ एडवाइस। जेमिनाई, मिथुन राशि, लुक फॉर ए साइन, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स के साइड से कुछ ना कुछ साइंस मिल सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स आपको देखने को मिले, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है। हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, उस टाइम पे आपको यूनिवर्स की साइड से कोई साइन मिल जाए, आपको आगे का आपका पाथ, आपका वे क्लियर हो जाए। सो साइंस पे फोकस करिएगा, ठीक है। यस, डेफिनेटली यस। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था इस रीडिंग को देखते हुए या रीडिंग के पहले, सो उसके लिए यहाँ पे यस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है, मैं इतनी देर से यही कहते हुए आ रही हूँ कि बेटर हो रही हैं चीज़ें आप लोग की लाइफ में। अगर आप, आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे या फिर जो भी चीज़ें थी, जस्ट आपको ट्रिगर करने के लिए थी किसी ना किसी वे में, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ ट्रिगर करा जा रहा था। बहुत विजडम आने वाली है आप लोगों में। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली करने लग जाओ। थोड़ा सा यहाँ पर प्राणायाम, योगा आपको अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए। अपनी हेल्थ का यहाँ पे कहूँगी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, तो खास तौर पे ख्याल रखें। अगर आपको वैसे भी इतना ज़्यादा पेंडेमिक का पीरियड चल रहा है, तो अगर आप लोग नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो नेग्लेक्ट ना करें, प्रॉपर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है।
सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।